अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज मैटर, मैं हूं अली डार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मशरक़ वुस्ता में होने वाली बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स के हवाले से, या ये कह लीजिए कि आज हम न्यू मिडल ईस्ट की बात करेंगे। आज जो नाज़रीन टॉप न्यूज़ है वो ये है कि यूएई यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात थे अब वो भी बहाल हो गए हैं। बहुत ही अहम ब्रेक थ्रू है ये। और ये सारा नाज़रीन मामला आपको मालूम है स्टार्ट कब हुआ, जब ईरान और सऊदी अरेबिया ने अपने सफारती ताल्लुकात बहाल किए, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि अब इस खत्ते में मिडल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं। मिसाल के तौर पर जो आज एक और ख़बर है वो ये है कि ईरान के जो सदर हैं इब्राहिम रईसी, उनकी जानिब से कन्फर्म कर दिया गया है ईरान की जानिब से कि वो अब सऊदी अरेबिया का विजिट करने जा रहे हैं, और सऊदी अरेबिया ने भी इसको ऑफिशियली अब कंफर्म कर दिया है। जबकि दोनों के जो वज़ीरे खारिजा हैं वो इस थर्सडे को मुलाकात करने जा रहे हैं, और जो मुआहदे थे दोनों ममालिक के दरमियान उस पर अब प्रैक्टिकली काम शुरू कर दिया गया है। दूसरी चीज़ ये आपको याद होगा कि सीरिया के जो प्रेजिडेंट हैं बिशारुल असद, उन्होंने भी रिसेंटली विजिट किया मुत्तहिदा अरब अमारात का। उसके बाद आज एक और डेवलपमेंट सामने आई है, वो ये कि वो भी अब एक और विजिट करने जा रहे हैं, और विजिट कर रहे हैं वो सऊदी अरेबिया का उनके इनवाइट करने पर। और तीसरी चीज नाज़रीन ये कि इस वक्त सीरिया और टर्की के दरमियान भी मुज़ाकराती अमल चल रहा है, इजलास चल रहा है रशिया के अंदर मॉस्को में, और वहां पर ईरान सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है या सालसी का किरदार इस वक्त वहां पर अदा कर रहा है। और ये मामला भी इस वक्त जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़े और बहुत जल्द कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आप लोगों के सामने आएगा। जबकि चौथी चीज ये कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने भी रिसेंटली विजिट किया है रशिया का, और बहुत सारी तब्दीलियां अब वहां पर भी हम देख रहे हैं। जो ईरान के मुखालफीन थे उस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि उनके अंदर बेचैनी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ईरान अपने जो मरासिम हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो बहुत तेजी से इन ममालिक के साथ बेहतर कर रहे हैं, और इनके बेहतर होने के फौरन बाद हम देख रहे हैं कि एक नया मिडल ईस्ट हम लोगों को नजर आ रहा है बनता हुआ। अच्छा, मैं आपको पहली खबर के हवाले से पहले बता देता हूँ, वो ये कि ईरान और सऊदी अरेबिया ने जैसे अनाउंस किया कि वो अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं, तो हमने आज ये एक और बड़ी डेवलपमेंट देख ली है कि यूएई और ईरान के दरमियान भी जो है रिलेशंस अब वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे। आपको याद होगा कि 2016 में दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो ख़त्म कर दिए गए, जब हमने देखा कि एक शिया जो आलिम है उनको वहाँ पर सजाए मौत हो गई सऊदी अरेबिया में। उसके बाद दोनों के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, और उस पर कुछ अरब ममालिक ने साथ दिया सऊदी अरेबिया का, और उन्होंने ईरान के साथ अपने मरासम जो है वो ख़त्म कर दिए। लेकिन अब इसके रिजम्पशन के बाद हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से सामने आ रही हैं और नई चीज़ें बन रही हैं। जिस तरह के अब ये भी कन्फर्म हो गया है कि इब्राहिम रईसी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं उनके इन्वाइट करने पर, और नाज़रीन उनके जाते ही वहाँ पर उससे पहले जो ब्रेक थ्रू सामने आया वो ये सामने कि दोनों के वज़ीरे खारिजा मुलाकात करेंगे, और इस अहम मुलाकात को जो जुमेरात को होने जा रही है उसमें जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जो अग्रीमेंट्स हैं, उस पर बात की जाएगी, और बहुत मुस्बत चीज़ें जो हैं वो जुमेरात को एक्सपेक्टेड हैं कि सामने आने जा रही हैं। इसके नतायज अभी से आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बिशारुल असद सीरिया के प्रेजिडेंट, जिन्होंने भी रिसेंटली विजिट किया यूएई का, अब वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया क्यों जा रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन सऊदी अरेबिया की जानिब से उनको इन्वाइट किया गया है बिशारुल असद को कि वहां पर वो अरब लीग समिट जो हो रहा है रियाज के अंदर उसमें वो शिरकत करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनका ये विजिट, और बहुत सारे ममालिक की जो है वो इस वक्त नजरें इस पूरे मामले पे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि नाज़रीन उनकी जो पार्टिसिपेशन है उससे कहा यह जा रहा है कि सीरिया और अरब स्टेट्स के दरमियान जो मामला थे, ताल्लुकात थे, वो भी अब बहाल होने जा रहे हैं, और रमजान के बाद सऊदी अरेबिया और सीरिया की जो एम्बेसीज हैं वो भी ओपन होने जा रही हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ जो एक और बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट चल रही है वो ये है नाज़रीन कि शाम और तुर्की के दरमियान भी मुज़ाकराती अमल चल रहा है, और ये हो रहा है इस वक्त रशिया के अंदर, रशिया के शहर मॉस्को में इजलास चल रहा है जिसमें सीरिया की प्रेजेंस है, टर्की की है, रशिया की है ऑफकोर्स, और ईरान की भी वहाँ पर प्रेजेंस है, क्योंकि ईरान इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा है इन मामलात को बेहतर करने के लिए। जो भी दोनों ममालिक के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर भी एक गुड न्यूज़ बहुत जल्द जो है वो मुतवक्के है। अब ये सारे मामला जो मैं आपको बता रहा हूँ, और चाइना का विजिट भी जो किया गया उनके सदर की जानिब से रशिया का,
तो ये सारी जो मुस्बत डेवलपमेंट्स हैं, जो ताल्लुकात बदल रहे हैं और जो नया मिडल ईस्ट हमें बनता नज़र आ रहा है, उसके बाद जो बेचैनी है इसराइल के अंदर वो इतनी ज़्यादा इस वक्त हो चुकी है कि उसका गुस्सा जो है वो काबू से बाहर हो चुका है और वो हर तरह का हठधर्मी का और वो ये कह लीजिए कि बर्बरियत का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। सीरिया पर हम रोज़ देख रहे हैं इसराइली जो जारियत है वहाँ पर जारी है और फ़लस्तीन पर भी जो जुल्म की तारीख है वो रकम की जा रही है। सारा अग्रेशन वहाँ पर निकाला जा रहा है, वहाँ पर ख़ुद भी इस वक्त इसराइल के अंदर जो मुजाहरे चल रहे हैं वहाँ पर बदतरीन सूरत हाल है और इसराइल की अपनी सरकार जो है इस वक्त इतनी मुश्किल में है कि शायद लोग ये बात कर रहे हैं कि इसराइल का खात्मा ही हो जाना, इस तरह से अगर ये वहाँ पर खाना जंगी शुरू हो गई तो इस सारे को डाइवर्ट किया जा रहा है सीरिया पर, फ़लस्तीन पर, वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं और वहाँ पर गुस्सा निकाला जा रहा है ताकि मामला वहाँ पर डाइवर्ट हो जाए। लेकिन ये सारी जो डेवलपमेंट है ये बहुत ही मुस्बत चीज़ें हैं और यकीनी तौर पर इन बड़ी बड़ी नाज़रीन डेवलपमेंट से मशरक़ वुस्ता के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले जो साल हैं वो बहुत ही अच्छे हमें नज़र आ रहे हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी तब्दीली इस मिडल ईस्ट के अंदर, इस मशरक़ वुस्ता के अंदर हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि इन तल्लुकात के बहाल होने से जो मसले जुड़े हैं इससे यकीनी तौर पर सफ़े अव्वल पर जो मसला है वो फ़लस्तीन का है उस पर भी बहुत असरात पड़ेंगे और जो मामला यमन का है उस पर बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त फोकस किए बैठे हैं। देखते हैं नाज़रीन कि क्या अहम डेवलपमेंट्स आती हैं। लेकिन यूएई और ईरान के तल्लुकात बहाल हो जाने ये बहुत ही गुड न्यूज़ है और जो सदर हैं ईरान के उनका विजिट सऊदी अरेबिया का बहुत सारी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो सामने लेकर आएगा। ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।